तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो यार आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये भाई नथिंग फोन 2। इसका बीजे में टेस्ट आज की वीडियो में करके देखने वाले हैं, क्योंकि भाई ये वाला जो फोन है ना, जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है, काफी सारे बंदे को हजम नहीं हो रहा भाई वाला प्राइस। तो सबसे पहले आपको प्राइस ही क्लियर कर देता हूँ भाई। ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, ये 45,000 रुपीज का है, जो कि 8128GB वाला वेरियंट है। लेकिन सेल के अंदर वाला नहीं आया था, तो मेरे को भाई इसका 12256GB वाला वेरियंट लेना पड़ा। और इसका जो प्राइस है वो है 50,000 रुपए। तो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं कि उस लेवल की इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती भी है, या फिर बस भाई शो के लिए ही ले रहे हैं ये वाला फोन। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, 4 लाख सब्सक्राइबर करवा दो फटाफट से। अभी मैं ना सबसे पहले आपको इसकी छोटी सी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं, क्योंकि इसका जो बॉक्स है ना वो थोड़े अलग टाइप में हमको देखने को मिलता है। पतला सा बॉक्स है, मिठाई जैसा बॉक्स। अंदर ना हमको फोन देखने को मिलता है, साथ में इसकी एक केबल देखने को मिलती है और एक सिम इजेक्टर टूल है। और कुछ बॉक्स अंदर हमको देखने को नहीं मिल रहा भाई, इतना पैसा देने के बाद भी चार्जर वगैरह हमको देखने को नहीं मिल रहा। बाकी भाई लुक्स वगैरह आप इस वाले स्मार्टफोन को देख सकते हो, नथिंग फोन 1 जैसे ही हमको देखने को मिल रहा है। बस थोड़ा सा ना साइडों से कर्व हो गया, जो लाइटें वगैरह वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। नथिंग फोन 1 भी है मेरे पास, इसके मुकाबले में देख सकते हो आप कितना फर्क है। और जो कलर है ना वो इस वाले का थोड़ा सा डार्क हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा ग्रे टाइप में हो गया है कलर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पेसिफिकेशंस वगैरह की बात करें तो इसके अंदर ना आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन्युइन वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 50,000 रुपये में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि उससे कम प्राइस में भी अदर ब्रांड्स हैं जो आपको सेम प्रोसेसर ऑफर कर रहे हैं भाई। साथ ही साथ इसके अंदर ना एक LTPO डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन है भाई। साथ ही साथ इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1600 nits की है। बैटरी की बात करें तो 4700mAh की बैटरी है, 45W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर वगैरह हमको देखने को नहीं मिलता भाई इसके अंदर। अभी फिलहाल एक चीज दिखा देता हूँ कि जो स्मार्टफोन है ना उसको मैंने 100% यहाँ पर चार्ज करा हुआ है अपने डेस्क के अंदर। जो इसकी ब्राइटनेस है उसको भी हम मैक्स पर रख के खेल के देखने वाले हैं, और बीजे में टेस्ट कर रहे हैं तो इसको चालू कर लेते हैं। बाकी भाई एक चीज और बता देता हूँ कि OnePlus Nord 3 भी मैंने परचेज कर लिया है, इसकी अभी ना टेस्टिंग वगैरह चल रही है, तो इसका वीडियो भी जल्दी आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। और iQOO Neo Sun Pro मेरे पास लेकिन ये डार्क कलर के अंदर था, मेरे को ये वाला कलर उतना पसंद नहीं था, पर लेना पड़ा था भाई उस टाइम पे। लेकिन अभी मेरे को जो कलर पसंद था फाइनली मैंने इसका ये वाला कलर भी उठा लिया है, ये ऑरेंज कलर में है। अभी मेरे पास दोनों कलर के अंदर हो गया भाई ये वाला स्मार्टफोन, और iQOO Neo Sun वगैरह भी पड़ा ही है। तो इस वाले कलर की भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी अब चैनल के ऊपर। जिंदगी में भाई बस इतना पैसा कमाना है कि आपको फोन का जो कलर पसंद हो ना वो खरीद पाओ। कमेंट सेक्शन में कोई मत बोलना ये। सबसे पहले ग्राफिक सेटिंग्स वगैरह मैं आपको दिखाऊं तो देखो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग्स पे वाला फोन गेम चलाता है। बैलेंस प्लस एक्सट्रीम, एचडी प्लस एक्सट्रीम, एचडीआर प्लस एक्सट्रीम और अल्ट्रा जीडी प्लस अल्ट्रा का भी सपोर्ट है, जो कि ग्राफिक सेटिंग्स तो काफी ज्यादा अच्छी हमको देखने को मिल रही है स्मार्टफोन के अंदर। फिलहाल भाई जो हम सबसे पहला मैच अपना स्टार्ट करके देखने वाले ना वो इसके अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम ग्राफिक सेटिंग्स पर खेलते हैं। अरीना टर्निंग से हम स्टार्ट करते हैं, और FPS मीटर वगैरह भी मैंने आपको लगा रखा है ताकि आपको भी अच्छे से क्लियर होता रहा भाई कितना FPS दे रहा है, कितना ड्रॉप कर रहा है। तो भाई ये राइट साइड में मैंने FPS मीटर वगैरह भी लगा रखा है। जायरोस्कोप सेंसर वगैरह की बात करते हो देखो प्रॉपरली एक्टिव आपको देखने को मिलता है, कोई भी डिले नहीं है इसके अंदर। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर वगैरह भी फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि लाउड है भाई, ऊपर नीचे की तरफ से भी आ जाती है और ऊपर ईयर पीस से भी आ जाती है। तो भाई एक मैच अभी हम कंप्लीट करके आ गए नथिंग फोन 1 के अंदर, और पहले ट्रीटमेंट मैच की ना जो परफॉर्मेंस थी वो विदाउट ड्रॉप हमको देखने को मिली, लेकिन जो स्मूथनेस थी ना वो उतनी ज्यादा हमको देखने को नहीं मिल रही है इसके अंदर। अब फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला पहले ट्रीटमेंट मैच के अंदर। तो बाकी अभी ये करते हैं जो नेक्स्ट मैच हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक इरेंगल करके देख रहे हैं, सेटिंग्स अभी भी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली ही रखते हैं। बाकी भाई अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई चैनल को, क्योंकि 4 लाख सब्सक्राइबर हमको जल्दी से करवाने भाई। अभी फिलहाल इरेंगल का मैच हम चालू कर लेते हैं। देखो भाई जब मैं वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहा हूँ तो पीछे वॉल्यूम भी इंडिकेट कर रहा है इसकी ग्रे फ्लाइट से। चलो भाई जंप करते हैं, हम चेकआउट करेंगे कितने FPS ड्रॉप होंगे। यहाँ पे FPS आपको देखने को मिल रहे हैं, 5 FPS वाला ड्रॉप देखने को मिला और वो भी फटाफट से 60 हो गया, ठीक था, चलो ज्यादा ड्रॉप नहीं है। भाई रुक जाओ ब्रो, हटो। किल तो मेरा हो गया ब्रो, वो अब कितनी एंट्री है ये, बे घुस गया तो
किल मेरा हो गया ब्रो। इसके मैंने 2-3 किल चुरा लिए। तो भाई इरेंगल का मैच हम कंप्लीट करके आ गए इसके अंदर। और फ्रेम टॉस वगैरह की बात करें ना, तो देखो जंप करते में 5 FPS का ड्रॉप हमको देखने को मिला, 55 FPS तक आया था। और नीचे फाइट के दौरान भी ना 50 FPS तक आ रहा था, मतलब 5 से 10 FPS वाले जो ड्रॉप्स हैं वो आपको इजीली नोटिस हो रहे हैं इस वाले स्मार्टफोन के अंदर। कुछ ऐसा ना तगड़ा सा गेमिंग परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल एवरेज सा देखने को मिल रहा है। बाकी अभी हम क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो इरेंगल का ही करके देखने वाले हैं फिर से। जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो इसकी मैक्स रख रहे हैं इस बार, HDR+ Extreme वाली, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी चालू रखेंगे। उसके बाद देखते हैं फ्रेम टॉस वगैरह देखने को मिलेंगे इसके अंदर या फिर नहीं। तो देखो भाई ग्राफिक सेटिंग्स हमने कर लिया HDR+ Extreme की, Ultra HD भी जाता है, बट हमको FPS थोड़ा सा ज्यादा चाहिए ना, तो इसलिए हम HDR+ Extreme पे रख रहे हैं। इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना उसको भी हम चालू कर लेते हैं। तो भाई जंप करते हैं, चेकआउट करते हैं। यहाँ पे भी 55 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिला था। कहाँ जा रहा है अभी? खेल दिया। भैंस की आंख ऊपर चढ़े रहा है, नॉक हो गया। चलो चट गया मौली में, चट गया। बंदा था बहुत है, ये भी पीछे वाले घर में भी है। अरे तरीका किल, ये सही है। पीछे भी है और भी है। तो गाइस अभी एक मैक्स सेटिंग्स के ऊपर भी मैच हम कंप्लीट करके आ गए हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी हमने चालू रखी थी। अब इसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है ना जंप वगैरह करते हुए, वो यहाँ पे भी हमको 5 FPS वाले ड्रॉप देखने को मिले, और नीचे के अंदर भी 5-10 FPS वाले ही ड्रॉप देखने को मिल रहे थे। तो जैसा गेम प्ले आपको नॉर्मल सेटिंग्स पे देखने को मिल रहा था, वैसे मैक्स सेटिंग्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है 10-15 FPS वाले ड्रॉप के साथ। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आपने चेकआउट करी ली होगी कैसी हो गई सारी। एक बार अभी फटाफट इसका टेम्परेचर और चेक कर लेते हैं कितना पहुंच गया है। 38.1 चल रहा है फ्रंट से, बैक से 36.2 है भाई, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ना वो 30 डिग्री के करीब चल रहा है। रूम के अंदर एसी चला हुआ है। बाकी भाई घंटा 3 मिनट भी हमको पबजी खेलते हुए हो गया, तो यहीं पे स्टॉपवॉच को करते हैं स्टॉप और फेंक देते कोने में कू। बाकी देखो बैटरी की बात करूं तो 81% बैटरी अभी भी फोन के अंदर बची हुई है। तो एक घंटे की गेमिंग करने के बाद ना इसके अंदर जो हमको ड्रॉप देखने को मिला है वो 19% का देखने को मिला है, जो कि ठीक है भाई, ज्यादा बैटरी ड्रॉप नहीं हुई है। टेम्परेचर वगैरह भी अपने टेस्ट के अंदर ज्यादा नहीं पहुंचा इस वाला स्मार्टफोन का। लेकिन बात करें फाइनल कंक्लूजन की, क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो देखो भाई अपने टेस्ट के अंदर जो इसके फ्रेम ड्रॉप थे ना वो तो हमको देखने को मिल रहे थे 10 से 15 FPS वाले बीच बीच के अंदर, और फोन के अंदर ना उतनी ज्यादा स्मूथनेस भी हमको देखने को नहीं मिल रही थी जैसे कि और दूसरे स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाती है, वो भी इससे कम प्राइस रेंज के अंदर। अब देखो एक तो ये फोन जो है वो 45,000 रुपए का, उसके बाद की परफॉर्मेंस भी इतनी ज्यादा खास मेरे को नहीं लगी है इसकी। तो मेरी तरफ से ना आपको ये वाला स्मार्टफोन रेकमेंडेड नहीं रहने वाला है भाई, बिकॉज भाई इससे कम प्राइस रेंज के अंदर ही आपको इससे अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाले स्मार्टफोन मिल जाएंगे और भी। लेकिन अगर आपको पसंद है भाई नथिंग की ये लाइटे वगैरह, और आपको मन था कि नथिंग फोन लें, तो उसके लिए ना मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप नथिंग फोन 1 के साथ जा सकते हो, जो कि अभी आपको 29,000 रुपए का देखने को मिल रहा है भाई। इसके अंदर की भी जो गेमिंग परफॉर्मेंस और इसके अंदर की भी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज्यादा स्मूथ मिलती है नथिंग फोन 1 के कंपैरिजन में, लेकिन भाई इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है कि आप इतने पैसे और एक्स्ट्रा दो, वरना भाई आप 30 से 35,000 रुपए लगा के भी IQ Neo 7 या फिर IQ Neo 7 Pro के साथ जा सकते हो, जिनके अंदर की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज्यादा तगड़ी देखने को मिलती है, और ये स्पेशली गेमिंग के लिए बनाए गए होते हैं, तो आपको स्मूथनेस वगैरह जो है ना वो काफी ज्यादा इन वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलती है। तो गेमिंग के लिए मेरी प्रायोरिटी ये रहती है।
नथिंग नहीं भाई। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से आपको नथिंग जो है ना रेकमेंडेड नहीं रहने वाला है फॉर गेमिंग। बाकी आज वाली वीडियो अंदर सिर्फ इतने बताना था। उम्मीद करता हूँ जो आपकी कंफ्यूजन है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर वो क्लियर हो गई होगी। और नथिंग फोन 2 का गेमिंग कंपैरिजन किस किस के साथ देखना चाहते हैं वो सब कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसी के साथ आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी यार आज वाली वीडियो की तरफ से इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना, फुल लाइक सब्सक्राइब करवा दो चैनल को फटाफट से। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपसे और कमाल के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।